एक रुकन सीटें दो। पंजाब असेंबली अपनी वेबसाइट अपडेट करना भूल गई। वेबसाइट पर साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का नाम था, हाल एमपीए लिस्ट में मौजूद है। साद रफीक ने एनए 131 के नशस्त जीत कर सूबाई सीट छोड़ दी थी। इसी पर बात करेंगे यासिन मलिक से। यासिन, बताइएगा अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं की गई है। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली अपनी वेबसाइट अपडेट करना भूल गई। ख्वाजा साद रफीक का हाल बैक वक्त कौमी और पंजाब असेंबली की लिस्टों में रुकन कौमी और पंजाब असेंबली है। ख्वाजा साद रफीक पंजाब असेंबली के रुकन छोड़े तकरीबन एक हफ्ता हो गया है। एमपी की लिस्ट में उनका नाम अब भी शामिल है, जब ख्वाजा साद रफीक ने 14 अक्टूबर को जिमनी इलेक्शन में हल्का एन एक्स से हमायों अख्तर को हरा कर कौमी असम्बली का हल भी उठा चुके हैं। मगर पंजाब असम्बली की गफलत के बैर ता हाल वेबसाइट अपडेट ना की जा सकी, जिसके बैर ख्वाजा साद रफीक का नाम कौमी और पंजाब असेंबली की वेबसाइट दोनों में अभी तक पंजाब असेंबली की वेबसाइट अपडेट ना की जा सकी। बहुत शुक्रिया यासिन मलिक।